आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के स्टोरी को पढ़ेंगे। जानेंगे कि स्टोरी में लेखक क्या कहना चाहते हैं और हमें किन बातों को समझनी है। इस लेसन का राइटर है, इस स्टोरी का राइटर है जी एल फ्लुएंटस, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिन्हें नेशनल प्राइज भी मिला हुआ है। इस कहानी को पहले हम पढ़ें उसके पहले हमें दो प्रश्नों का आंसर देना है, दो प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचना है। लेखक ने शुरुआत में ही कहा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास अगर है तो पहाड़ पर्वत को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड वी पुट आर फेथ इन, किसके ऊपर विश्वास रखना है, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस, यही वो प्रश्न है जो इस कहानी में है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखते हैं। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसके फसल नुकसान नष्ट हो जाते हैं, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, 100 पेसोस जो लैटिन अमेरिका की तरफ चलने वाली मुद्रा है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान वह पैसा उन्हें भेज देते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, आप सोचें आपका उत्तर इन प्रश्नों का क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, आप गेस करें कि आप स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले आप ये सोचिए। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का शुरुआत एक बहुत सुंदर प्राकृतिक वर्णन से हुआ है। एक घर है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस वादी में, उस उपत्यका में एक ऐसा घर है। हम कह सकते हैं कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस पूरा घाटी में सिर्फ एक मकान, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर में एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। वहां से आप क्या देख सकते हैं, वहां से आप पके हुए कॉर्न, पके हुए भुट्टा, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसके फूलों से लदा हुआ है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जिसने हमेशा अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी खेती का जिन्होंने हमेशा प्रॉमिस किया है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, उनके लिए, उन सब चीजों के लिए, उस खेती के लिए सिर्फ एक ही चीज की वहां पे जरूरत थी और वो था डाउनपोर, यानी अच्छी बारिश, और एटलीस्ट अ शोवर, या थोड़ी सी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरे सुबह तक लेंचो, जिसे अपने उस खेत के बारे में बहुत अच्छे से पता है, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के तरफ वो आकाश को निहार रहे थे, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि बारिश का होना बहुत जरूरी था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वुमेन को देखकर लेंचो ने यह कहा कि बारिश अच्छी हो सकती है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जो वुमेन सपर बना रही थी, सपर का मतलब होगा कि डिनर के पहले हल्के भोजन को सपर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भगवान की इच्छा है, भगवान इच्छा कर रहे हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड,
जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास छोटे बच्चे खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक वो जो वुमेन है वो औरत है जब तक खाने के लिए ना बुला ले तब तक बच्चे बाहर खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाते समय, खाना खाते समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने एक प्रेडिक्ट कर चुका था। प्रेडिक्टेड का मतलब था पूर्व भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फेल, बहुत बड़ा बड़ा आज बारिश होने वाली है, बहुत बड़े बड़े बूंद बारिश होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड जो होगा एक कलेक्टिव नाउन है, बादलों का पर्वत नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है, अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी बाहर निकला बारिश के पानी को अपने बॉडी में महसूस करने के लिए, वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लाइम्ड, जब वो वापस आया वो चकित था, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी का बारिश बूंदा नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो एक नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़े जो ड्रॉप्स हैं बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, छोटे जो बूंद है वो 5 सेंट के बराबर है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, बहुत संतुष्ट एक्सप्रेशन उसके भाव थे, उसने कहा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, जो पके हुए भुट्टे हैं उनके फूलों, विथ इट्स फ्लावर, फूलों के साथ ऐसे लग रहा है मानो बारिश का एक चादर पहना हुआ है। ड्रैप का मतलब पहनना। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से हवा का झोंका बहने लगता है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फेल, बड़े हेल स्टोन गिरने लगते हैं। हेल स्टोन जिसे हम हिंदी में ओले कहते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वही ओले थे जो चांदी के सिक्के को जैसा दिख रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे बाहर में थे, रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स, इन ओले को बिनने बाहर दौड़ जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा लग रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आश्चर्य हुआ उस आदमी ने। आई होप इट पासेस क्विकली, बहुत जल्दी ये बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं बीता, बारिश घंटों तक होता रहा और वो जो हेल है, ओले हैं, रेंड ऑन द हाउस, जो घर में बारिश हुई थी, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, सब तरफ बारिश हुई थी, ओले गिरे थे। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरी उस वादी में, पूरे उस घाटी में सफेद चादर बिछ गया मानो नमक बिछा हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, भुट्टा बुरी तरीके से नुकसान हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल झड़ गए। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी आत्मा दुखी से भर गया, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये बीत गया, जब ये तूफान निकल गया, बीत गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अपने खेत के बीच में जाकर अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट एक कीड़ा है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है,
प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब गुच्छे कह लें, एक कीड़ों का झुंड कह लें, वुड हैव लैक्ड मोर देन दिस। अगर इसमें कीड़े पड़ गए होते तो इससे ज्यादा बच गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी भुट्टा नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, बहुत दुखपूर्ण रात थी वो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखे मरना पड़ेगा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस सारे लोगों के दिल में, जो कि उस सॉलिटरी घर में, यानी अकेला थकेला घर में, मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच जो घर था, उसमें एक छोटी सी आशा, और वो आशा थी भगवान के ऊपर। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बहुत ज्यादा अपसेट यानी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि भी यह पूर्ण नुकसान है, पूरा नुकसान है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कि भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, सारे लोगों ने यह बात कही, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लाइन चो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी उस एक आशा के विषय में सोचा, सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ उस एक आशा के बारे में सोचा, और वो आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, भगवान हमारी मदद कर दे। Whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें यानी भगवान की आंखें, जैसे कि उसे सिखाया गया था, see everything, सारी चीजें देखता है, even what is deep in one's conscience, अगर किसी के विवेक में बहुत गहरी सोच भी है तो भगवान की आंखें उसे देख लेती है, पढ़ लेती है, समझ लेती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक बैल की तरह अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसके बावजूद वो जानता था लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, यानी वो एक लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जैसे ही आने वाला संडे के दिन, जैसे सुबह, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, एक पत्र उसने लिखा, उस पत्र को वो स्वयं जाके शहर में जो मेल बॉक्स होते हैं उसमें उसने डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, एक पत्र था भगवान के लिए। अब देखें उस पत्र में लेंचो ने लिखा क्या था, लिखा संबोधन उसने भगवान को किया, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम पूरे परिवार भूखे रह जाते हैं, रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मुझे 100 पेसोस की जरूरत होगी जिससे मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं, तब तक हमारे जीने के लिए, जब तक ये क्रॉप्स ना जाए तब तक हमारे जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत होगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर में एड्रेस के जगह में लिखा टू गॉड, क्योंकि उसे पता नहीं था कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको यही बस पता था कि टू गॉड लिख दूंगा तो भगवान के पास ये पत्र पहुंच जाएगा और भगवान मेरी मदद कर देंगे। उसने ये लिखा, लेटर के अंदर में, लेटर को एनवेलप के अंदर में डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अभी भी परेशानी में, किसी भी मतलब परेशानी में है, फिर भी उस परेशानी में रहते हुए वह शहर की तरफ गया,
एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसमें एक टिकट उसने लगाया, एक स्टाम्प उसने लगाया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स है उसमें उसने उसे ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वहाँ के एम्प्लॉय में से किसी एक ने, हु वाज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में और दूसरी मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू द गॉड। पोस्टमैन के हाथ ये लेटर लगा, पोस्टमैन ने अपने बॉस के पास लेके गया और दिल से हंसी निकल गई, हंस रहे थे कि नेवर इन दिस कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन के इस कैरियर में उसे यह नहीं पता कि ये टू गॉड का एड्रेस क्या है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल, बहुत बहुत फ्रेंडली थे वो जो पोस्ट मास्टर थे, वो फेलो बहुत अच्छा इंसान था। अल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसे बिना नहीं रह सका। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अचानक वो सीरियस हो गए एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर में वो पत्र को रखते हुए कमेंटेड, उसने कहा व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। काश मैं इस लेटर को भगवान तक पहुंचा सकता और उसकी बातचीत भगवान से मैं कर सकता था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक के विश्वास को ना हिलाते हुए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उनके दिमाग में एक आइडिया सूझा, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इसके लिए उसे कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत थी। जब उसने पत्र खोला, पता चला कि इसमें उत्तर तो चाहिए, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वो अपने इस दृढ़ संकल्प में कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने बाकी के एम्प्लॉयज से पैसों के, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी के कुछ अंश उसने भी उसमें दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के कार्य के लिए, इस दान के कार्य के लिए बहुत सारे लोगों ने भी उनकी मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोस, 100 पैसोस इकट्ठा करना उसके लिए संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, 100 में से आधा से ज्यादा इकट्ठा हुआ और उसे उसने किसान के पास भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, एक पत्र लिखा उसमें भगवान का सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर की जगह पर उसने गॉड लिखा और वो पत्र उसने लेंचो के एड्रेस में डाल दिया। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आक्स इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम, लेंचो वापस आया, उसने पूछा कि मेरे नाम से कोई पत्र आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। आने वाले संडे को जब वो पहुंचा, पोस्टमैन ने खुद लेंचो को यह पत्र उसके हाथ में सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर ये चीज महसूस कर रहा था कि उस व्यक्ति के संतोष, सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छा काम, यानी उसने जो काम किया उस काम को देखकर उस पोस्ट मास्टर के मन में एक संतोष मिल रहा था, उसे एक संतोष मिल रही थी। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री। लेंचो ने जैसे ही उसे खोला, पैसे को उन्होंने जैसे गिना, उसे संतोष होने के अलावा वह बहुत गुस्सा हुआ। When he counted the money,
गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी उसने 100 पेसोस का रिक्वेस्ट किया, उसे आधा से ज्यादा मिला, यानी 100 नहीं मिला। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, एक खिड़की के पास पहुंचा पोस्ट ऑफिस में, उसने पेपर और इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग एक टेबल होती है, वहां पे वो पहुंचा, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके आंखों के जो भौं हैं वो सिकुड़ गए थे, वो सिकुड़ के तो जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हम अपने भौं चढ़ाते हैं, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं लिखूं क्या, सोचते हुए उसने लिखा, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, विंडो में पहुंचा जहां पे टिकट मिलता है, उसने एक स्टैम्प खरीदा जिसे उसने अपने थूक से चिपकाया, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप, एनवलप के ऊपर चिपकाया विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी में जोर से उसके ऊपर में उसने मारा ताकि वो एनवलप में जो लगा हुआ टिकट अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे उसने मेल बॉक्स में डाला पोस्ट मास्टर स्वयं उसे खोल कर देखा, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोस आपने भेजा, बाकी के जो पैसे हैं वो भी आप मुझे भेज दीजिए, 30 सेंट आप पैसोस आप मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे सख्त जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वे लोग चतुर हैं, चलाक हैं, दुष्ट हैं, इसलिए आप ये पैसा मुझे स्वयं देना। नीचे उसने अपने सिग्नेचर डाला लेंचो। इस तरीके से ये कहानी समाप्त हो जाती है।